हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे रसायन विज्ञान में। तो इसमें हम लोग केमिस्ट्री में 19 चैप्टर के करीब देख चुके हैं। बात करेंगे हम लोग रसायन सार संग्रह के बारे में। याद रखिए, केमिस्ट्री से संबंधित जितने भी लेक्चर आपके बने हुए हैं वो सभी जनरल साइंस के नाम से जो प्लेलिस्ट में सूची बनी हुई उसी में डले हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं इसे। अम्ल वर्षा, यह मुख्यतः वायुमंडलीय SO2 के H2SO4 बनाने तथा NO2 के HNO3 बनाने और इन अम्लों के वर्षा के पानी में घुलकर पृथ्वी पर बरसने के कारण को अम्ल वर्षा कहते हैं। मिश्र धातु, धातुओं और अधातुओं के सरल मिश्रण और ठोस विलयनों को जिनमें धात्विक गुण होते हैं मिश्र धातु कहते हैं। अम्लगम, मरकरी का अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातु। सिल्वर अम्लगम दांतों की कैविटी भरने में काम आता है। फिर एरोमेटिक यौगिक, वे यौगिक जिनमें 6 कार्बन परमाणु जोड़कर चक्र बनाते हैं। एक कार्बन परमाणु एकांतर स्थिति में 3 एकल बंध के साथ और 3 द्विबंध के साथ जुड़े रहते हैं। फिर एरोसोल, किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है। जब परिक्षेपित कण ठोस होता है तो एरोसोल को धुआं कहते हैं। जब परिक्षेपित पदार्थ द्रव होता है तो उसे कोहरा कहते हैं। धुआं गैस प्लस ठोस है, कोहरा गैस प्लस द्रव। आगे देखते हैं, एवोगैड्रो परिकल्पना, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। फिर बेकिंग चूर्ण, सोडियम बाइकार्बोनेट स्टार्च क्रीम ऑफ टार्टर एवं सोडियम अमोनियम सल्फेट का मिश्रण जो बेकिंग में काम आता है। फिर बेंजिलिडिहाइड, कड़वे बादाम का तेल जो रंजक सुगंध बनाने में प्रयुक्त होता है। फ्रैपेंजीन, कोल तार के प्रभाज्य आसवन से प्राप्त रंगहीन द्रव जिसका उपयोग विलायक के रूप में प्रयोग होता है। फ्रेसेविन, भोपाल गैस रात्रि, भोपाल में 1984 की रात्रि को एक भयंकर 2 दिसंबर था, ठीक है, एक भयंकर गैस दुर्घटना हुई जिसमें यूनियन कार्बाइड लिमिटेड के संयंत्र के एक टैंक से प्राण घातक गैस मैथिल आइसो साइनेट रिसकर घने बादल के रूप में भोपाल के रूप ऊपर फैल गई। इस संयंत्र में MIC का उपयोग कार्बाइल नामक कीटनाशी उत्पादन के लिए किया जाता था। इस कीटनाशी का व्यापारिक नाम है सेविन। फिर अपररूपता, जब कोई एक तत्व से अधिक रूपों में विद्यमान रहे, कोई भी गुण भिन्न भिन्न हो किंतु रासायनिक गुण समान हो, भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो और किंतु रासायनिक गुण समान हो, जैसे कार्बन के अपररूप हीरा तथा कोयला आदि है। ठीक है, बात कर लेते हैं कार्बन के अपर रूपों के बारे में। ठीक, प्रकृति के कार्बन तत्व अनेक भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। हीरा ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणु से बने हैं। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिसे षट कोणीय व्यू मिलता है। इनमें से एक आबंध द्वि आबंधी होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षट कोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होता है। ये ग्रेफाइट की संरचना है,
एक काले ग्रेफाइट की पेंसिल से लिखता हुआ छात्र है, ये हीरे की संरचना है, ये हीरे की अंगूठी है, ये C60 बकमेंस मिनिस्टर फुलेरिन की संरचना है, ठीक है याद रख। इन दो विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे एवं ग्रेफाइट के गुण के भौतिक गुण अत्यंत भिन्न होते हैं, जबकि उनके रासायनिक गुण एक समान होते हैं। हीरा अब तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना एवं फिसलनशील होने के साथ साथ विभिन्न विद्युत का सुचालक भी है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। इस संश्लेषित हीरे आकार में छोटे प्राकृतिक परंतु प्राकृतिक हीरों से आभेदनीय होते हैं। बात करते हैं फुलेरिन। फुलेरिन कार्बन अपरूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूँकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुम्बद के समान लगते हैं, इसलिए इस अणु को फुलेरिन कहा जाता है। फिर व्यंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसका उपयोग व्यंजन में किया जाता है। फुथनांग, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प वायुमंडलीय दाब 760 मी के बराबर हो, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। फिर केसिन, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। सीमेंट, सिलिका, लाइम, एलुमिनिया, आयरन ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम से बना पदार्थ। फिर सिरेमिक, मिट्टी या अन्य अधातु खनिजों को पकाकर जलाकर बनाया गया पदार्थ, जैसे पॉटरी, टाइल्स, ईंट आदि। कैल्शियम कार्बोनेट, श्वेत यौगिक CaCO3 जो चूने के पत्थर तथा संगमरमर में पाया जाता है एवं इसका उपयोग चूना बनाने में होता है। कैलोरी, 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री से सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे कैलोरी कहते हैं। इसे 15 डिग्री सेंटीग्रेड कैलोरी भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। आसवन, द्रव को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित करना तथा वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में परिवर्तन का क्रम आसवन कहलाता है। डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा फॉस्फेट यूनिट तथा कार्बनिक क्षारकों से बना होता है तथा अनुवांशिकता का मुख्य आधार है। शुष्कन तेल, जंतु अथवा वनस्पति तेल जिसे वायुमंडल में खुला छोड़ने पर उसमें उसके ऊपर कठोर परत जम जाती है। कुछ रत्नों के रंग देख लेते हैं। संक्रमण धातु आयरन के डी कक्षकों के बीच इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से रंग का उत्पन्न होना हमारे जीवन में अक्सर दिखाई पड़ता है। मणिक लगभग 0.5 से 1/3 Cr3 प्लस आयन युक्त एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिसमें Al3+ के स्थान पर Cr3+ आयन कहीं कहीं वितरित तीव्र स्थित रहते हैं। हम इन्हें एलुमिना के जालक में समावेष्टित अष्टफलीय क्रोमियम संकुल के रूप में देख सकते हैं। इन केंद्रों पर डीडी संक्रमण कारण मणिक में रंग उत्पन्न होता है। पन्ना में Cr3+ आयन खनिज बेरिल में अष्टफलीय स्थानों पर स्थित रहती है। मणिक का पीला, लाल तथा नीला अवशोषण बैंड उच्चतर तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है। इसके कारण पन्ने से हरे रंग के क्षेत्र वाला विकास प्रसारित होता है। बात करते हैं विद्युत लेपन। विद्युत अपघटन द्वारा तांबा, लोहा, पीतल आदि पर सिल्वर, क्रोमियम आदि की पतली पर चढ़ाने को विद्युत लेपन कहते हैं। फिर तत्व, सामान्य प्रकार के परमाणुओं से
बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है। एंजाइम, उच्च अणु भार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं तथा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। फिर एथिलीन है, रंगहीन गैस है, C2H4, जिसका उपयोग पॉलीथीन बनाने तथा फलों को कृत्रिम विधि द्वारा पकाने में होता है। फिर वसा ग्लिसरॉल की दीर्घ श्रृंखला तथा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा के साथ ट्राई एस्टर होता है। वसा अम्ल एलिफेटिक मोनोबेसिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। केटबन, एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन यौगिकों का नवीन यौगिक में परिवर्तन। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। किडवन के बाद है फियोन, रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाले विलायक एक प्रकार के फ्लोरोकार्बन का व्यापारिक नाम है। फिर पुच्च मिश्र धातु, विशेष संक्षारण रोधी भागों को बनाने के लिए निकेल रजत या टंगस्टन के साथ स्वर्ण की मिश्र धातु है। फिर गैसीय विदूषक, सल्फर नाइट्रोजन तथा कार्बन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड, ओजोन तथा अन्य ऑक्सीकारक हैं। जर्मेनियम, श्वेत भंगुर धातु जो ट्रांजिस्टर बनाने में उपयोग हुई थी। ग्लिसरीन, वसा तथा तेलों के जल अवघटन से प्राप्त रंगीन गाढ़ा द्रव है। कांच की रुई, प्रयोगशाला उपकरण के लिए तथा विशेष रूप से निस्यंदक गैसों या द्रवों को पैक करने के लिए पतले कांच के रूप में। फिर हरित रसायन, सन 1990 से इसका प्रचलन है। इसमें उन प्रक्रियाओं तथा उत्पादों को विकसित किया जाता है जिनमें खतरनाक पदार्थों के उपयोग तथा उत्पादन को न्यूनतम रखा जाता है तथा केवल उन्हीं पदार्थों का उपयोग किया जाए जो हानिकारक ना हो। कच्चे माल का इस तरह उपयोग किया जाए कि अपशिष्ट ना बचे। बात करते हैं अर्ध आयु, किसी रेडियो एक्टिव तत्व का द्रव्यमान जितने समय में आधा रह जाता है उस समय अवधि को उस तत्व की अर्ध आयु कहते हैं। यूरेनियम 235 की अर्ध आयु 4.5×10^9 वर्ष होती है जो पृथ्वी की आयु के बराबर है। रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु को किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन द्वारा बदला नहीं जा सकता है। फिर हेलोजन, अत्यधिक अभिक्रियाशील समूह 17 की अधातुएँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ठीक है, भारी जल, हाइड्रोजन के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। यह भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हॉर्न सिल्वर श्वेत से लेकर हल्के पीले या धूसर रंग का खनिज जिसमें सिल्वर क्लोराइड होता है तथा यह प्रकाश में खुला रखने पर काला पड़ जाता है। फिर हाइड्रोजन बम, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित जिसमें ड्यूटेरियम के नाभिकों के संलयन से अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। फिर जल अवघटन, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जल से अवघटित होकर अम्लीय क्षारीय या उदासीन विलयन देता है। फिर नील, एक नीला रंजक जो पहले पौधों से प्राप्त किया जाता था किंतु अब जिसका संश्लेषण किया जाता है। सूत्र है C16H10N2O2। कार्बन मोनोऑक्साइड, रंगहीन गंधहीन तथा अत्यंत विषैली गैस जो रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर मनुष्य की मृत्यु भी कर सकती है। इस गैस के कारण बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर सोने पर मृत्यु भी हो सकती है। फिर उत्प्रेरण, किसी पदार्थ की उपस्थिति से यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है परंतु पदार्थ स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है तो इसे उत्प्रेरण कहते हैं। फिर उत्प्रेरक, जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में
रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहता है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। क्लोरोफॉर्म रंगहीन भारी द्रव SiHCl3 जिसकी वाष्प सूंघने पर सामान्य निश्चेतना आ जाती है। फिर रासायनिक युद्ध सैनिक कार्यों के लिए रासायनिक अभिकर्मकों का उपयोग जो जलन उत्पन्न करता है दम घुटने घुटकर तथा अथवा विषैली गैसों द्वारा शत्रु पक्ष को हताहत करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ही वायुमंडलीय ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है। ये यौगिक फियोन भी कहते हैं इसे यौगिक को। एक रोचक तत्व यह है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत का क्षरण सितंबर के प्रारंभ से अक्टूबर के अंत तक होता है और इसके पश्चात नवंबर दिसंबर में ओजोन परत की पुनः पूर्ति हो जाती है। ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले गैसें व उनके स्रोत ये गैसों के नाम में ये स्रोत हैं CFC-11 एरोसेल व फॉर्म में, फिर CFC-12 CFC-22 ये शीतक में, हेलोजन ये अग्निशामक के अंत में, मैथेन कृषि पशु उद्योग में, नाइट्रेट ऑक्साइड औद्योगिक क्रियाकलाप, कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के रूप जलन से, साइट्रिक अम्ल सिट्रस फलों का अम्ल जो नींबू तथा संतरों में उपस्थित होता है साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, फिर है स्कंदन द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों में विद्युत अपघटन की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर कोलाइडी कणों का अपेक्षित होना स्कंदन कहलाता है। कोल गैस वायु की अनुपस्थिति में कोल के भंजक आसमान से प्राप्त गैस जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कोल तार काला गाढ़ा द्रव जो कोल के भंजक आसमान से प्राप्त होता है। कोलाइड इस प्रकार के घोल में कणों का आकार 10^-7 से 10^-5 सेंटीमीटर तक होता है। जीव द्रव भी एक कोलाइडी है। आयनेमाइड रंगहीन क्रिस्टलीय अस्थायी यौगिक जो उर्वरक के निर्माण में उपयोगी होते हैं। DDT डाइकेलोरो डाइफेनिल ट्राइकेलोरो एथेन एक रंगहीन चूड़ जो प्रबल कीटनाशक है। फिर निथारना नीचे बैठे ठोस पदार्थों को छोड़कर ऊपर के स्वच्छ द्रव पृथक करना। विघटन पदार्थों के एक घटक का तत्वों में अपघटन। फिर आगे अपमार्जक एलिफेटिक या एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण जिनमें साबुन की तरह मैल साफ करने का गुण होता है। फिर अपोहन पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइड विलयन से उसमें उपस्थित घुले हुए अशुद्ध पदार्थों को निष्कासित करना। फिर मोल किसी पदार्थ की मात्रा जिसमें उसके 6.022313 × 10^23 कण उपस्थित होते हैं पदार्थों का एक मोल कहलाती है। फिर है हमारा अणु किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण मुक्त अवस्था में रह सकते हैं तथा जिनमें उस पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं अणु कहलाते हैं। फिर है नेप्ता पेट्रोलियम सेल ऑयल या कोल तार से प्राप्त कम अणु भार वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ठीक, फिर नेप्थेलीन पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जिसकी गोलियां कीटों को दूर करने में उपयोगी होती हैं। फिर प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस भी उपस्थित होती है जो पेट्रोलियम के पेस्ट पर दाब डालती है इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। फिर बात करते हैं उत्कृष्ट गैसें आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में 6 तत्व हीलियम नियोन आर्गन कैप्टोन जीनोन रेडोन ये सभी गैसीय हैं और बहुत अक्रिय अतः इन्हें ही अक्रिय निष्क्रिय या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। इन गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होने का कारण इन्हें दुर्लभ गैसें भी कहते हैं। फिर आलोह धातुएं आयरन तथा स्टील के अतिरिक्त अन्य सभी धातुएं। नाभिकीय विखंडन
परमाणु नाभिक का अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जन के साथ दो या दो से अधिक खंडों में विखंडन होना। फिर न्यूक्लियर पावर, नाभिकीय रिएक्टरों की सहायता से उत्पादित विद्युत को न्यूक्लियर पावर कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं नाभिकीय रिएक्टर। क्या नाभिकीय रिएक्टर? यह एक भट्टी है नाभिकीय रिएक्टर, जिसमें विखंडनीय पदार्थों का नियंत्रित नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। फिर न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए, जो न्यूक्लियोटाइड तथा न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बने होते हैं। अधिधारण, किसी धातु द्वारा गैस या ठोसों की धारण क्षमता को व्यक्त करने तथा अथवा किसी अवक्षेप द्वारा विद्युत अपघट के अवशोषण को व्यक्त करने की विधि होती है। फिर ऑक्टेन संख्या, परिरक्षण की मानक परिस्थिति में किसी ईंधन के मिश्रण की अपस्फोटन मात्रा को व्यक्त करने की संख्या है। अयस्क, उन खनिजों को जिनमें धातु निष्कर्षित करना आर्थिक रूप से लाभदायक हो, अयस्क कहलाते हैं। कार्बनिक रसायन, रसायन की उपशाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। आर्थोहाइड्रोजन, हाइड्रोजन अणु दो रूपों में पाया जाता है, जिसका कारण उसके दोनों परमाणुओं के नाभिकों के पिचकरण की दिशा में अंतर होता है। यदि नाभिक का चक्रण एक दिशा में हो तो उसे आर्थोहाइड्रोजन कहते हैं। फिर परासरण, विलायक के अणुओं का अर्ध परागम झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद विलयन की ओर सुता प्रवाह परासरण कहलाता है। फिर ऑक्जिलिक अम्ल, अत्यधिक विषैला अम्ल जो ऑक्जिलिक समूह की वनस्पतियों जैसे रोबाई सोरल आदि में पाया जाता है। इसका उपयोग छपाई रंगाई एवं स्याही के निर्माण में होता है। फिर ऑक्सीकरण, परमाणु आयनों या अणुओं द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। फिर ओजोन, ऑक्सीजन का अपर रूप जो ऑक्सीजन पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट विकिरणों के प्रभाव से बनाता है। अल्ट्रावायलेट प्रकाश की विकिरणों के प्रभाव से भूपृष्ठ पर जीवों की रक्षा करने में ओजोन स्तर का विशेष महत्व है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन ओजोन स्तर का क्षय कर देते हैं। फेनॉल, एरोमेटिक यौगिक C6H5OH, जिसका उपयोग कीटाणुनाशक एवं पूर्तिरोधी के रूप में होता है। विकास रासायनिक धूम या कोहरा, यह वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन पर सूर्य के विकास की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। यह सामान्यतः घनी आबादी वाले उन शहरों में होता है जहां पेट्रोल व डीजल वाले वाहन बहुत मात्रा में चलते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकालते हैं। इससे आँखों में जलन होती है और आंसू आ जाते हैं। यह कोहरा श्वसन तंत्र को भी हानि पहुँचाता है। इस कोहरे की भूरी धुंध NO2 के भूरे रंग के कारण होती है। NO से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा NO2 बनाता है। दाब रसायन, रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया तथा प्रक्रम पर उच्च दाब के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, दाब रसायन कहलाता है। ठीक है, कच्चा लोहा, बात्याभट्टी से प्राप्त अशुद्ध आयरन को कच्चा लोहा कहते हैं। इसमें 2 से 4.5% तक कार्बन होता है। फिर बहुलीकरण, वह विक्रम जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से सहयोग करके उच्च भार की बेहद अणु बनाते हैं, बहुलीकरण कहलाते हैं। फिर बहुलक, बहुलीकरण के फलस्वरूप बने उच्च अणु भार के यौगिक को बहुलक कहलाते हैं। फिर पोटेशियम पर मैग्नेट, बैगनी क्रिस्टलीय ठोस KMNO4 जिसका उपयोग जल के शोधन एवं पूतिरोधी के रूप में होता है। फिर चूर्ण धातु, धातु क्रम की एक विधि जिसमें धातुओं का चूर्ण बनाकर संपीड़न द्वारा उसकी उचित आकार की वस्तु बनाई जाती है। फिर प्रोब स्प्रिट,
एथिल एल्कोहल का जलीय विलयन जिसमें भार के अनुसार 49.28% एथिल एल्कोहल होता है। फ्रै प्रोटीन उच्च अणु भार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एंजाइम तथा ओजोन एंजाइम तथा हार्मोन भी प्रोटीन के से बने होते हैं। फिर है ताप अपघटन। वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने से कार्बनिक यौगिक का तापीय अपघटन उनका ताप अपघटन कहलाता है। फिर क्विक सिल्वर पारे का दूसरा नाम है। जंग लगना आयरन को नम वायु में रखने पर उसके पेस्ट पर धीरे धीरे भूरे रंग की हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3H2O की परत का जमना जंग कहलाता है। समुद्री जल लवणीय स्वाद का द्रव जिसमें 96.4% जल 2.8% नमक 0.4% मैग्नीशियम आयोडाइड तथा 0.2% मैग्नीशियम होता है। सिलिका कठोर आविलीय श्वेत उच्च गलनांक का ठोस है जो मुख्यतः SiO2 से बना होता है। सिलिकन अधातु जिसका उपयोग कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में होता है। सोडियम वाष्प लैम्प एक गैस विसर्जन जिसमें सोडियम वाष्प का प्रयोग किया जाता है। थर्मिदु जल जल जो साबुन के साथ अधिक मात्रा में झाग उत्पन्न करता है। फिर है विलेयता। किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलाय को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है पदार्थ की विलेयता कहलाती है। साबनीकरण वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म कर विघटित करने की क्रिया। साबुन में नमक मिलाने से उसकी घुलनशीलता कम हो जाती है। फिर आगलनीय पदार्थ जो कठिनाई से द्रवित होते हैं। अकार्बनिक रसायन इसके अंतर्गत सभी तत्व और उनकी यौगिक का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक यौगिकों को छोड़ के। कीटनाशी यौगिक जो कीटों को नष्ट कर देते हैं जैसे DDT VHC। फिर है आयोडीन ठोस हेलोजन जो रखने पर उद्पातित हो जाते हैं तथा जिसका उपयोग पूर्तिरोधी के रूप में होता है। समावयव जिन यौगों के अणुसूत्र समान होते हैं किंतु गुण संरचना भिन्न भिन्न होती है। समन्यूट्रॉनिक वे परमाणविक नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है किंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। केरोसिन ऑयल कोल तथा पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता है जिसका उपयोग प्रदीपक स्टोव के ईंधन के रूप में होता है। फिर केओलिन सफ़ेद महीन मिट्टी जिसे चाइना के लिए व फारसी लैन के लिए कहा जाता है। यह खनिज केओलिनाइट AL14 Si4O10 OH8 की बनी होती है। LSD लाइसर्जिक अम्ल डाई थाइलेमाइड भ्रम करने उत्पन्न करने में वाली ड्रग है। फिर लैक्टोस दूध की शर्करा द्रव्यमान संरक्षण का नियम रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। फिर बात करते हैं लासातेलिए का नियम। यदि एक साम निकाय कि किसी कारक जैसे ताप दाब या सांद्रण में परिवर्तन किया जाता है तो साम उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर उस परिवर्तन का प्रभाव निरस्त होता है। फिर मैग्नेशिया श्वेत स्वादहीन चूड़ जो आमाशय की अम्लता दूर करता है। गलनांक वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाए। फिर मैंथोल पेपरमेंट के तेल से प्राप्त होता है। मरकरी वाष्प लैम्प एक गैस विसर्जन लैम्प जिसमें एक निर्वातित कांच की नली होती है इसमें कुछ मरकरी होती है जो वाष्पित होकर
विद्युत विसर्जन में तीव्र प्रकाश देती है। फिर धातु प्रदूषक, कुछ भारी धातुएं जल में घुलकर उसे प्रदूषित करती हैं, जैसे कैडमियम, लेड, मरकरी। सीडी तथा एचजी गुर्दों को नष्ट कर देती है, जैसे लेड गुर्दों, जिगर, मस्तिष्क तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। फिर है उपधातु, तत्वों का एक समूह जिनके गुण धर्म धातुएं तथा अधातुओं के मध्य होते हैं, ये अर्धधातु या अर्धचालक कहते हैं। धातुक्रम, एक्स से धातु प्राप्त करने में प्रयुक्त विभिन्न क्रमों को सामूहिक रूप से धातुक्रम कहते हैं। दूधी या चूना, जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या जलयोजित चूने का निलंबन। फिर दुधिया सल्फर, एक रंगहीन गंधहीन हल्का आकृष्टलीय चूर्ण। फिर खनिज, धातु तथा उनकी यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं खनिज यौगिक कहलाते हैं। खनिज ऐश सामान्यतः मृदा औषधियों जैसे रेत चट्टानों, चूने के पत्थर आदि से जुड़ा होता है, जो गैंग या मैट्रिक्स कहलाती है। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्रदान करें, या ऐसे पदार्थ जो एक जोड़े इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें, अम्ल हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3 ये आदि अम्ल हैं। ठीक, पदार्थ जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है, जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित रहते हैं, या ऐसे पदार्थ जो प्रोटीन ग्रहण करें या एक जोड़े इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को प्रदान करें, क्षार कहलाते हैं। NaOH, KOH, CaOH2 अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय गुण दिखाते हैं, जबकि उनमें H प्लस आयन नहीं होते हैं, जैसे Sa2, SO2, CO2, SO3। धातु के ऑक्साइड क्षारीय गुण दिखाते हैं, यद्यपि उनमें OH आयन, OH ऋणात्मक आयन नहीं होता है, जैसे K2O, Na2O, FeO। ठीक, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के उपरांत यदि अम्ल के हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाता है तो लवण का निर्माण होता है, जैसे HCl प्लस NOH बराबर NaCl प्लस H2O। जल एक अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह कार्य करता है, क्योंकि यह प्रोटॉन दे सकता है तथा प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए प्रभावी अम्ल के रूप में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। कोल गैस 54% H2, 35% NH4, 10% CO, 11% CO, 5% हाइड्रोकार्बन व 3% CO2 आदि गैसों का मिश्रण होता है। कोयले में भंजक आसवन के द्वारा निर्मित यह रंगीन व विशेष गंध वाली गैस है, जो वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। फिर सुक्रोज, गन्ने के रस को से पर्याप्त शर्करा, C12H22O11। सुपरफॉस्फेट ऑफ लाइम, फॉस्फेटी उर्वरक, संश्लेषित रेसे, इसका निर्माण कार्बनिक यौगों के बहुलीकरण द्वारा किया जाता है। नायलॉन पहला मानव निर्मित रेसा है। PVC एक थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोकोल एक संश्लेषित रबड़ है। प्राकृतिक रबड़ में आइसोपीन होता है। टैनिन, पौधे में प्राप्त रंगीन आकृष्टलीय पदार्थ का एक समूह जो जल में कोलाइडी विलयन देता है। फिर टार्टरिक अम्ल, इमली तथा अंगूर में उपस्थित होता है। क्रीम ऑफ टार्टर का उपयोग बेकिंग पाउडर में किया जाता है। फिर थोरियम, मोनाजाइट रेत से प्राप्त रेडियो सक्रिय धातु, जिसका उपयोग नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त उत्पादन में होता है। फिर ट्राइटेनियम, यह अपने भार की तुलना में अधिक सुदृढ़ धातु है। यह संक्षारण का प्रतिरोधक तथा उच्च गलनांक वाला है। इसका उपयोग सेना के उपकरण में किया जाता है, अतः इसे रणनैतिक धातु भी कहते हैं। विटामिन सी, स्कर्वी अम्ल, संतुलित भोजन का एक आवश्यक अवयव है। फिर ढलवा लोहा, इसमें 98.8 से 99.9 लोहा तथा 0.1 से 0.25 कार्बन होता है प्रतिशत। ठीक, बात करते हैं जर्कोनियम, श्वेत धातु, जिसका उपयोग मिश्र धातु अथवा अग्निरोधी यौगिक बनाने में होता है। रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम मिश्र में हुआ था। रसायन विज्ञान के अंतर्गत द्रव के संगठन
और उसके अति सूक्ष्म कणों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत द्रव के गुण द्रवों में परस्पर सहयोग का नियम, ऊष्मा आदि ऊर्जाओं का द्रव पर प्रभाव, यौगिकों का संश्लेषण, जटिल व मिश्रित पदार्थों से सरल व शुद्ध पदार्थ को अलग करना आदि है। फिर द्रव मैटर का वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, समांगी द्रव और विषमांगी द्रव। तत्व द्रव का वह भाग जो किसी भी ज्ञात भौतिक व रासायनिक विधि से ना तो दो से अधिक द्रवों में विभाजित किया जाता है और ना ही बनाया जा सकता है, जैसे लोहा, सोना, तांबा या गैसीय तत्व। फिर पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों का प्रतिशत आरोही क्रम में, तो ये है ऑक्सीजन 49.9%, सिलिकॉन 26%, एल्यूमिनियम 7.3%। फिर सामान्य मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा, तो ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18 और हाइड्रोजन 10। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक प्राप्त होता है, जो साधारण विधि से पुनः तत्वों में विभाजित किए जा सकते हैं। यौगिक के गुण इसके संघटक तत्वों के गुणों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात सदैव एक समान रहता है, जैसे जल में H2O2 2:1 के अनुपात में पाए जाते हैं, उदाहरण पानी, नमक, चीनी, एल्कोहल। आगे बात करते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण में उपस्थित विभिन्न घटकों के गुण नहीं बदलते, उदाहरण दूध, बालू, चीनी का जलीय विलयन आदि। मिश्रण में उपस्थित घटकों को पृथक करने के लिए प्रयुक्त विधियाँ हैं क्रिस्टलन, आसवन, ऊर्ध्वपातन और प्रभाजी आसवन, वर्णलेखन तथा भाप आसवन। ठीक, फिर क्रिस्टलन विधि अकार्बनिक ठोसों के पृथक्करण व शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त होती है। CNG अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस एक प्रकार की हाइड्रोकार्बन मिश्रित गैस है। इसमें 80-90% मात्रा में मैथेन गैस होती है। इसका प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में होता है, इसे प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। वाहनों में प्रयोग के लिए इससे 200-250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया या संपीड़ित किया जा सकता है। यह पर्यावरण मित्र गैस है, लेकिन 2015 में दिल्ली में हुए पर्यावरण संबंधी एक अध्ययन के अनुसार इससे चालित वाहन नैनो पार्टिकल्स का उत्सर्जन करते हैं, जो कैंसर के लिए उत्तरदायी हैं। अतः इस गैस के पर्यावरण मित्र होने पर भी फिसलने चिन्ह लग गया। केलेथ रेट, वस्तुतः जब जल के अणुओं में व्याप्त मैथेन गैस है, यह अत्यंत ज्वलनशील है, जो कि 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी पिघलती नहीं है। वैज्ञानिकों का मत है कि भविष्य में यह विश्व का एकमात्र ईंधन होगा। बात करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के तनु विलयन का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में दांत, कान, घाव आदि धोने में किया जाता है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग सूती कपड़ों में चमक पैदा करने में भी किया जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा दो ऐसे ठोसों के मिश्रण को पृथक करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातन होता है, दूसरा नहीं। इस विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। फिर भाप आसवन के द्वारा ऐसे कार्बनिक पदार्थों को शुद्ध करते हैं जो जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु भाप के साथ बाष्पशील होते हैं, जैसे एसीटोन, मेथिल अल्कोहल आदि का शुद्धिकरण इसी विधि के द्वारा किया जाता है। फिर कोलाइडी विलयन एक विषमांग तंत्र होता है। जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिक्षेपित होकर कोलाइड विलयन बनाता है, तो वह साल कहलाता है। साल ऐसे विलयन जो चरम पत्र अथवा जैविक झिल्ली में से होकर गमन नहीं कर सकते हैं, जैसे स्टार्च, गोंद, जिलेटिन आदि, कोलाइडी विलयन कहलाते हैं।
कोलाइडी विलयन में विलेय के कणों का आकार 10^-4 से 10^-18 सेंटीमीटर तक होता है। इससे छोटे आकार के कणों वाले विलयन वास्तविक विलयन, इससे बड़े आकार के कणों वाले विलयन निलंबन कहलाते हैं। जब किसी कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट का विलयन थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है तो कोलाइडी कण परस्पर संयुक्त होकर अवक्षेप बना सकते हैं। इस क्रिया को स्कंदन कहते हैं। बात करते हैं आगे, नदियों के जल में मिट्टी व रेत का घोल कोलाइडी होता है। जब नदी समुद्र के खारे पानी से मिलती है तो खारा पानी जिसमें NaCl होता है इसका स्कंदन कर देता है और डेल्टा का निर्माण हो जाता है। आगे बात करते हैं, जब कोई द्रव किसी ठोस में परिक्षेपित होकर कोलाइडी विलयन बनाता है तो वह जेल कहलाता है, जैसे जेली, पनीर, मक्खन। जब एक द्रव दूसरे आमिश्रणीय द्रव में परिक्षेपित होकर कोलाइडी विलयन बनाता है तो वह पायस कहलाता है, जैसे दूध, कार्ड लीवर ऑयल आदि। कोलाइडी विलयनों में प्रकाश के विकिरण को टेंडल प्रभाव कहते हैं। द्रव के गतिज आणविक सिद्धांत के अनुसार द्रव छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसे अणु कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तनीय होता है। यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। तत्वों का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्म कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है या पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संगठक तत्वों तथा सहयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। फिर परमाणु का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहु परमाणु आयन कहते हैं। उसके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। आणविक यौगिक के रासायनिक मूल प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। बात करते हैं आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। बात करते हैं आगे, वैज्ञानिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान की तुलना करने के लिए सापेक्ष परमाणु सिद्धांत परमाणु द्रव्यमान स्केल का उपयोग करते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणुओं का सापेक्ष द्रव्यमान 12 निर्दिष्ट किया जाता है। अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं का सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के साथ तुलना करके प्राप्त करते हैं। 6.022×10^23 अवोगाड्रो स्थिरांक है जो कि 12 ग्राम में विद्यमान कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या है। मोल पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कणों की संख्या कार्बन के 12 के ठीक 12 जी में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है। पदार्थों के एक मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। बात करते हैं परमाणु की, तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परमाणु कहलाता है। एनोड किरणों के प्रयोग के समय प्रोटॉन की खोज हुई। खोज करने वाले वैज्ञानिक ई गोल्ड स्टीन थे। रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की थी। फिर कैथोड के किरणों के प्रयोग के समय इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। फिर आवर्त की संख्या तत्वों की सबसे बाहरी कक्षा की इलेक्ट्रॉन संख्या को प्रदर्शित करती है। आवर्त उन तत्वों के साथ शुरू होता है जिनके परमाणु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है और आवर्त शून्य वर्ग के तत्वों के साथ समाप्त होता है जिनके परमाणुओं की बाह्य कक्षा पूर्णतः भरी होती है। ठीक, आगे बात करते हैं, प्रथम आवर्त से अंतिम आवर्त तक धातु से अधातु परागमन होता दिखाई देता है। प्रत्येक वर्ग के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है अर्थात एक वर्ग के सभी तत्वों की विशेषताएं समान होती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की तथ्यों में 118 तथ्य याद रखना, आधुनिक आवर्त सारणी में तथ्यों की संख्या 118 है।
सभी संक्रमण तत्व धातु होते हैं, ये आवर्त सारणी में मध्य में स्थित होते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व जिसमें लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रृंखला के तत्व आते हैं, ये आवर्त सारणी के नीचे पृथक रूप से दो क्षैतिज पंक्तियों में स्थित होते हैं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों ही श्रृंखला में 14-14 तत्व होते हैं। आवर्त सारणी के सेतु तत्व द्वितीयक आवर्त के कुछ तत्व तृतीय आवर्त के अगले समूह के तथ्यों के साथ कुछ समानताएं प्रकट करते हैं, जैसे सेतु कहते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और बेरियम के आविष्कारक हैं एच डेवी, ठीक है। आर्गन कैप्टोन जीनोन की खोज रेमेर जे टेवर्स ने की थी। जर्कोनियम, यूरेनियम की खोज किले प्रोथ ने की थी, जर्मनी के थे। सिलिका थोरियम की खोज जे जे वर्जिलियस ने की थी। ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु या अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाती हैं। उपधातुएं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम है। धातुएं ऊष्मा विद्युत की सुचालक, अघार्धवर्त व तन्य और ठोस होती हैं। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। पारा है इसमें अपवाद, ठीक है, याद रखें। अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक, सामान्यतः भंगुर व ठोस द्रव व गैस तीनों में पाई जाती हैं। अधातुएं अम्लीय अथवा उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं अधिकांश ठोस होती हैं, द्रव धातु पारा के लिए, ठीक है, अपवाद है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है एवं सर्वाधिक ऊष्मा चालक धातु चांदी है। सर्वाधिक विद्युत चालक धातु ग्रेफाइट है। स्टेटिन ठोस धातुओं में सबसे भारी तत्व है। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। लिथियम सबसे प्रबल अपचायक है। रीडोन गैस तत्वों में सबसे भारी तत्व है PLX, अत्यंत खतरनाक विस्फोटक है। इसका निर्माण नाइट्रोमेथेन और एथिलीन डायोमाइन के सहयोग से होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, रंगीन गंधीन इस खतरनाक विस्फोटक का उपयोग आत्मघाती दस्तों द्वारा किया जाता है। फिर गन कोटन, रुई अथवा लकड़ी के रेशों पर सांद नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से पहाड़ों को तोड़ने तथा युद्ध में किया जाता है। नाभिकीय विखंडन के लिए यूरेनियम 238 की तुलना में यूरेनियम 235 अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि यूरेनियम 235 का नाभिक अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होता है। द्रव का ताप बढ़ने पर उसका पृष्ठ तनाव घटता है, याद रखना। कोशिका सिद्धांत के कारण लालटेन में बत्ती से के सहारे तेल चढ़ता है। केशिका तत्व के सिद्धांत के कारण लालटेन में बत्ती के सहारे तेल चढ़ता है। पुरातत्व अवशेषों अथवा जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए रेडियो सक्रिय कार्बन उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वह अधिक चमकीला दिखाई देता है। जल की सतह पर कोई चिकनाई गिराने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है, ठीक। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। यदि प्लेटफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वह विषैली गैसें फॉस्जीन में बदल जाती हैं। वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। मिट्टी में क्षार तत्व के घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। टैलकम पाउडर के निर्माण में थियोफेस्टस खनिज का उपयोग किया जाता है। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड सर्वाधिक उपयुक्त है। अधिक भारी अणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या की अपेक्षा प्रोटॉनों की संख्या अधिक होती है। शुष्क बर्फ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। पीक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। क्रीम एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है। 1 किलोग्राम शहद से लगभग
3500 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 100% एथिल एल्कोहल को एब्सोल्यूट एल्कोहल कहते हैं। विस्फोटक वे पदार्थ हैं जो दहन पर अत्यधिक ऊष्मा व तीव्र ध्वनि उत्पन्न करते हैं। PENT एक अति संवेदनशील विस्फोटक है। रासायनिक नाम है पेंटा एरेजथ्रीटोल टार्टेनेमिक टर्माइन। ठीक है, PETN की विस्फोटक गति 83 किलोमीटर प्रति सेकंड है। RDX की विस्फोटक गति 8180 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि TNT की विस्फोटक गति 6900 मीटर प्रति सेकंड है। परमाणु में उपस्थित सभी कणों में न्यूट्रॉन पाया जाता है। नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन रेडियोधर्मी हो जाता है। विद्युत धारा का निर्माण गतिशील इलेक्ट्रॉन करते हैं। इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने प्रतिपादित किया था। परमाणु का अणु या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिए इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण पॉजिटॉन है। केवल हाइड्रोजन परमाणु ही ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। केवल हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों को अलग अलग नाम दिए गए, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। किसी तत्व का परमाणु भाग वह संख्या है जो प्रदर्शित करती है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन परमाणु के द्रव्यमान में 1/12 से कितना गुना भारी है। ठीक, परमाणु भाग तत्व के परमाणु का द्रव्यमान अपॉन कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग। ठीक, फिर परमाणु की त्रिज्या का मात्रक फर्मी होता है। इलेक्ट्रॉन तरंग तथा कण दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होता है। फॉजिस्टोन की खोज 1932 में एंडरसन ने की थी। यह एक धन आवेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसे इलेक्ट्रॉन का एंटीकरण भी कहते हैं। न्यूट्रॉनों की खोज 1930 में पावली ने की थी। ये द्रव्यमान व आवेश रहित मूल कण हैं। पाई मेसान की खोज 1935 में युकावा ने की थी। एक कण दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पाई मेसान व ऋणात्मक पाई मेसान। ये अस्थाई हैं कण हैं जिनका जीवन काल 10⁻⁸ सेकंड व द्रव्यमान में द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 गुना होता है। फ्रेफोटॉन ये ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश की चाल से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। आगे बात करते हैं किसी तत्व के एक मोल में स्थित परमाणुओं की संख्या 6.023×10³ होती है। इस संख्या को अवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन और भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जैसे सोडियम में Na11। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों में अधिक ऊर्जा होने के कारण ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ही उस तत्व की संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। जब परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक परमाणु से दूसरे परमाणु में होता है। इसके परिणाम स्वरूप परमाणु अपने समीपस्थ निष्क्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के प्रभाव को प्राप्त कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले परमाणु पर धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले परमाणु पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार आवेशित परमाणुओं को आयन कहा जाता है। विपरीत आवेश वाले आयन आपस में विद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। परमाणु के इस प्रकार संयोग करने की विधि को विद्युत संयोजकता का सिद्धांत कहते हैं तथा उनके बीच स्थापित बंध को विद्युत संयोजी बंध अथवा आयनिक बंध कहा जाता है। बात करते हैं यौगिक जिनका संयोजन
एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं, यौगिक या आयनिक यौगिक कहलाते हैं, जैसे NaCl। ठीक, दो परमाणुओं के संयुक्त होने की वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी होती है सहसंयोजकता कहलाती है। परमाणुओं के बीच में जितने इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उनमें उतने ही बंध स्थापित होते हैं, जैसे क्लोरीन के परमाणुओं के मध्य एकाकी बंध, ऑक्सीजन के परमाणुओं के मध्य द्विबंध आदि। सहसंयोजक यौगिकों में किसी तत्व की संयोजकता का संख्यात्मक मान तत्वों के परमाणुओं द्वारा साझीकृत इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या है। इस प्रकार क्लोरीन व ऑक्सीजन की सहसंयोजकता क्रमशः 2 तथा 3 होती है। ठीक, सहसंयोजकता में सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म की रचना के लिए प्रत्येक संयोजी परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, परंतु कुछ अणु ऐसे हैं जिसमें सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म का सहभाजन दोनों परमाणुओं में से किसी एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है पर इलेक्ट्रॉन युग्म का सहभाजन दोनों परमाणुओं के बीच होता है। इस प्रकार के बंध को उपसंयोजक कहते हैं। ठीक, बंध। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व फ्रांसियम है, स्वतंत्र अवस्था में सोना, मुलायम बहुत तन्य तथा आघात वर्ध किया जा सकता। ठीक है, धातु का वर्ध जिसके कारण उसे पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैसे मिठाइयों पर चढ़ा चांदी का फर्क होता है। अतः है इसके जेवरात बनाने के लिए इसमें चांदी व तांबा मिलाया जाता है जिससे यह कठोर हो जाता है। एल्यूमिनियम, चांदी, सोना काफ़ी आघात वर्ध धातु हैं, इन्हें पीट कर आसानी से पतली चादरों में बदला जा सकता है। मिठाइयों पर लगा चांदी का वर्क तथा भोज पदार्थ दवा चॉकलेट आदि के ऊपर लिपटा एल्यूमिनियम वर्क चांदी और एल्यूमिनियम की आघात वर्धनता के ही कारण ये संभव है। ठीक है, ये मोल अवोगाड्रो संख्या व द्रव्यमान के बीच संबंध। ठीक है, कार्बन परमाणुओं का 1 मोल 12g कार्बन के परमाणु 6.022 × 10³³ परमाणु कार्बन के परमाणु। फिर हाइड्रोजन परमाणुओं का 1 मोल 1 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु 6.22 × 10³³ हाइड्रोजन परमाणु। फिर किसी भी कण का 1 मोल, तो उन कणों का सापेक्ष द्रव्यमान। फिर 6.022 × 10³³ उस कण की संख्या। अणुओं का मोल आणविक द्रव्यमान और 6.22 × 10³³ अणुओं की संख्या। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व के परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम होती है तो यह उतने ही इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है और ऐसे तत्वों की संयोजकता ऋणात्मक होती। यदि तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक है तो यह परमाणु अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपना अष्टक पूर्ण करता है, ऐसे तत्वों की संयोजकता धनात्मक होती है। जिन तत्वों के परमाणुओं की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके परमाणु अक्रिय होते हैं तथा रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। हीलियम और आर्गन जल में विलेय हैं, याद रखिए। अतः अल्प मात्रा में नदियों, समुद्रों तथा वर्षा के जल में पाए जाते हैं। फिर रीडान व्यक्ति में नहीं पाया जाता, यह उच्च रेडियो एक्टिव गैस है जिसका उपयोग रेडियोधर्मी अनुसंधान तथा कैंसर की शल्य क्रिया रहित उपचार में किया जाता है। फिर हीलियम की खोज फैकलैंड व लाकियर ने की थी, यह हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य समस्त गैसों से हल्की है। आज्वलनशील होने के कारण हीलियम वायुयान के टायरों एवं गुब्बारों के भरने में उपयुक्त होती है। हीलियम तापमापी निम्न तापमापी मिति में उपयोग में लाए जाते हैं। हीलियम का उपयोग खाद्य पदार्थों की सुरक्षा हेतु भी किया जाता है। तो चलिए, ये था हमारा रसायन विज्ञान।
जो हम लोग पूरी तरह से देख चुके हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 1100 के करीब क्वेश्चंस कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, याद रखिए अगर इतने हम लोगों ने पढ़ लिया जितना, और ये 1100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं आपको इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत काफ़ी है इतना मटेरियल। ठीक है, याद रखिए।